नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए की समाप्ति के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। भागवत 3 अक्टूबर तक जम्मू में रहेंगे। प्रांत संघ मुख्यालय केशव भवन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रियासी पुलिस ने जानकारी दी है कि उसने 5 सरेंडर्ड आतंकवादियों सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां फरारी गिरफ्तारी के तहत हुई हैं। पीडीडी विभाग के जेई विशाल बाली को रिश्वत लेने के एक मामले में हिरासत में लिया गया है और उनके घर पर भी सीबीआई की रेड हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल एमकेएस यादव ने पुंछ सेक्टर में और राजौरी सेक्टर में एलओसी के इलाकों का दौरा किया और वहां पर सुरक्षा बलों के साथ बातचीत भी की। इस मौके पर उन्होंने वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। डीसी राजौरी ने सीएचसी थाना मंडी राजौरी के एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है जिसने कि 32 स्टूडेंट्स की पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई थी। आरटीपीसीआर टेस्ट में ये सभी स्टूडेंट्स नेगेटिव पाए गए हैं और इस लापरवाही के चलते डीसी राजौरी ने डॉक्टर के सस्पेंशन के ऑर्डर निकाले हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट्स में असंतोष को लेकर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि ये जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन इनके मांगों को नहीं मानता तब तक ये हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। इन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था कि हम 2 दिन के अंदर आपका मसला हल कर देंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हमें एक लॉलीपॉप दे दिया और हमें इधर से भगा दिया। जी बिल्कुल, जब तक ना हमें नोटिफिकेशन मिलती है तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। हंगर स्ट्राइक रहेगी और अगर हम मर भी गए यहाँ पर तो वैसे भी इनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन सर हम नोटिफिकेशन लेके बिना नहीं जाने वाले यहाँ से। एबीवीपी और स्टूडेंट्स ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। ये लोग सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिशन्स देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा लगातार आज 6ठा दिन है ये प्रदर्शन करते हुए और अभी तक जम्मू का जो प्रशासन है, जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रशासन कानों में रुइयां डालकर बैठा हुआ है। विद्यार्थियों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी उनको 90% लेने के बावजूद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है। सेना की तरफ से पुंछ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कई महिलाओं को यहां पर सिखलाई भी दी गई। एनएचएम कार्यकर्ताओं ने उन्हें बर्खास्त करने को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रही है जिसे कि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टेट टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।